नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों पीठ पीछे बहुत बड़ा कांड होगा। जी दोस्तों, जानिए कौन कर रहा है आपके पीछे ये शुभ कार्य। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों यह हम आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़े खुलासे करने वाले हैं। जे दोस्तों, अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे, इन बातों को अपने जीवनकाल में ध्यान में रखेंगे, तो दोस्तों यूं कहें तो आपके जीवनकाल में आने वाले समय में आपको कोई भी परेशानियां नहीं होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। यूं कहें जो भी परेशानियां हैं वह जड़ से ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों निवेदन बस यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा और इन्हें ध्यान से समझिएगा। क्यों दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में टाइम दिया है तो दोस्तों वीडियो को समझना भी आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा धर्म होता है, बहुत ही बड़ा दायित्व होता है। तो दोस्तों आप इन्हें अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर रहेगा। और साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि अब आपको अपने आने वाले जीवन काल में ढाल लेने हैं। और दोस्तों अगर आप इन्हें ढाल लेंगे तो दोस्तों मानो आपका जीवन ही संवर जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमेशा ईश्वर से मांगें कि हे ईश्वर, मेरे मन के अंधकार, लालच और मेरी समस्त बुराइयों को दूर करके मुझे अनंत उजाले, दया, प्रेम और सदमार्ग पर चलने का सामर्थ्य प्रदान करो। हे ईश्वर, हर क्षण अपनी दिव्य छवि मेरे मन में स्थापित करो, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि आपके पीछे जो भी कांड हो रहे हैं, आखिर यह कौन करवा रहे हैं, आखिर ये कौन से दुश्मन हैं जो कि सांप बनकर आपको डसते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है, अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है, आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया,
पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से अपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं, दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं। और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटी है। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियाँ भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपकी जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी यह बात में अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आई हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर शिव भक्त हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, और शायद दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।